बीच एक और बड़ी खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का स्टेटमेंट। आरएसएस प्रमुख ने भारत के विकास पथ की बात की है। आरएसएस के लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा स्टेटमेंट। आरएसएस प्रमुख ने भारत के विकास पथ की बात की। आरएसएस के लोग देश हित के लिए काम कर रहे हैं। मुझे घूमने को मिलता है और मेरा घूमना फिरना यही सब देखने के लिए होता है, तो इसलिए मेरे मन में निराशा कभी नहीं आती। देश का क्या होगा ये शंका मन में नहीं आती। अच्छा होना चाहिए, हो सकता है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास करेंगे, ये भाव सदा बना रहता है। इसका कारण क्या है? आप सब लोग काम कर रहे हैं, आज से नहीं 40 साल से कर रहे हैं, जैसा उस समय तय किया था वैसा ही काम कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी बाधाएं आई, अनेक मोह आकर्षण भी उपस्थित हुए होंगे, लेकिन उसको न मानते हुए आपने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आप अपनी शक्ति लगाते हो। इसी को कहते हैं तपस्या। ये तपस्या हम सब लोग कर रहे हैं और जहां तपस्या है वहां उसका परिणाम निश्चित है। किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, सोच समझ के जो किया हो वो तो रंग लाता ही है। जैसे अब विकास भारती ऐसा नाम लेकर हम काम कर रहे हैं, विकास की बात सब कहते हैं, लेकिन विकास भारती कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसका उसकी योजना बनाते हैं। जिसे भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास है।